हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन स्टडी दरबार। हाय दिस इज अभिषेक तिवारी। Welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I welcome you all in our channel. यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर वन शॉट का क्लास टेंथ का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज फार एज आर सीबीएसई बोर्ड इज कंसर्न। नाइन्थ क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे। द पीपल हु आर स्टडिंग नाइन्थ इन दिस ईयर, उनको उन लोगों ने सरफेस एरिया में क्यूब्स क्यूबॉइड्स नहीं पढ़े होंगे, बट इन टेंथ क्लास यू हैव क्यूब क्यूबॉइड्स सिलेंडर्स कोन एंड स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। यू डोंट हैव फ्रस्टम। फ्रस्टम पिछले साल से ही कटा हुआ था, उसके पहले से भी कटा हुआ, पिछले तीन साल से कटा हुआ है। सो वी आर गोइंग टू ओनली टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलर शेप्स। जो पांच शेप मैंने बताया, छह स्फीयर एंड हेमिस्फीयर को दो अलग अलग काउंट करते हैं तो दो ही। तो टोटल सिक्स शेप्स के हमको क्या पढ़ना है, सर्फेस एरिया पढ़ना है और दूसरा वॉल्यूम पढ़ना है। तो पहली एक्सरसाइज एंड सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी इज कमिंग, जहां पर पहली एक्सरसाइज में कॉम्बिनेशन सर्फेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स ये निकालना है, और दूसरे एक्सरसाइज में वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स निकालना है। तीसरे एक्सरसाइज में कन्वर्जन था कि एक सॉलिड है विच इज इन द क्यूबॉइडल शेप और उस शेप को हमने कन्वर्ट करना है इनटू द सिलेंडर, देन वी नीड टू फाइंड सम वैल्यूज विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। वो सारी चीजें हमारे कोर्स में अब नहीं है। तो हमारे कोर्स में सिर्फ दो चीजें, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के सर्फेस एरिया निकालना है। सर्फेस एरिया दो टाइप का होता है, वो भी देखते हैं क्या होता है, और दूसरा निकालना है क्या, वॉल्यूम ऑफ शेप्स। कौन से शेप्स, दो या दो से ज्यादा शेप एक साथ जब मिले होते हैं, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग वी विल गोइंग टू स्टडी, जहां पर आज हम देखते हैं सबसे पहले क्या, सरफेस एरिया। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड, सॉलिड का सरफेस एरिया होता क्या है, तो किसी भी शेप के दो टाइप के सरफेस एरिया काउंट होते हैं। वो दो टाइप के सरफेस एरिया क्या होते हैं, पहला लेट्स से वी विल टेक अ वी कैन अज्यूम एज अ क्यूबॉइड। जिस भी रूम में आप बैठे हो, जस्ट सी ऑल द वॉल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम। चार वॉल होंगी, एक छत होगा और नीचे आपका क्या होगा, फ्लोर होगा। ये पूरा का पूरा शेप आपका क्या होगा, क्यूबॉइड होगा। अगर ये चारों साइड्स, जो चारों वॉल्स हैं, आपका सीलिंग है और आपका फ्लोर है, इन सब का अगर एरिया बराबर है तो ये मान के चलना ये क्या हो गया, ये फिर आपका हो जाएगा क्यूब, जहां पर आपकी हाइट विथ एंड दी लेंथ ऑफ द रूम आर इक्वल, इसको हम बोलते हैं क्यूब। और अगर डिफरेंट है तो इसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड। यहां पर सरफेस एरिया में वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया, टू टाइप ऑफ सरफेस एरिया एग्जिस्ट। सबसे पहले होता है लेटरल सरफेस एरिया, इसका एक और नाम होता है क्या, कर्व सरफेस एरिया। दोनों एक ही चीज होती है बट दो अलग अलग शेप्स के लिए इनका नाम अलग अलग हो जाता है। दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। सो बेसिकली हम अभी से दो शेप के बारे में बता रहे हैं, एक है क्यूबॉइड और एक है क्यूब। तो क्यूब और क्यूबॉइड में जो आपके सर्फेसेस होते हैं पूरे चारों छह सर्फेसेस, एक दो तीन चार पांच छह, छह फेसेस होते हैं। छहों फेसेस अगर आप इसके देखोगे, ये क्यूब है, क्यूब के छहों फेसेस कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। जहां पर फ्लैट सर्फेस होते हैं वहां पर हम लेटरल सर्फेसेस निकालते हैं एंड टोटल सर्फेस एरिया निकालते हैं। एंड द शेप्स लाइक सिलेंडर, कैसा शेप, सिलेंडर के जैसे, सिलेंडर लाइक इस पर्टिकुलर मार्कर, मार्कर एक सिलेंडर है जहां पर ऊपर और नीचे आपको सर्कल दिखेगा जिसे क्रॉस सर्फेस, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, और इसका जो ये पूरा लेंथ दिख रहा है ऊपर से नीचे तक, ये देखिए ये कर्व्ड है। दैट्स व्हाई इसके जो आजू बाजू का एरिया होगा इसे हम कहते हैं कर्व सर्फेस एरिया। तो यहां पर क्या आएगा, कर्व सर्फेस एरिया आएगा, और यहां पर क्या आएगा, लेटरल सर्फेस एरिया आएगा। अब लेटरल सर्फेस एरिया और कर्व सर्फेस एरिया होता क्या है, जब मैं सिर्फ साइड व्यू की बात करता हूं दैट इज लेटरल सर्फेस एरिया और द कर्व सर्फेस एरिया। फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रूम, दिस इज अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हम जब लेटरल सर्फेस एरिया निकालेंगे तो चार फेजेस के एरिया निकालेंगे। चार फेजेस कौन से हैं, हमारी चारों की चारों वॉल्स, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, ये चारों वॉल्स का हम एरिया निकाल के सम अप कर देंगे, दिस इज नथिंग बट द लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूब। वैसे ही चारों फेसेस के ये जो लिखे हैं आजू बाजू, इनका अगर हम सम कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस क्या होता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये आपको पता है क्यूबॉइड क्यूब है, ये आपको पता है क्यूबॉइड। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली एल बी एच होता है,
लेकिन जब मैं यहां बात करता हूं तो ए ए ए बचपन से तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं, बेसिकली साइड सारी इक्वल होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की तीनों बराबर होती है। यहां पर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होती है। यहां पर अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया जिसे मैं एल एस ए से रिप्रेजेंट करूंगा, हर जगह एल एस ए ही होता है, एल एस ए कितना होगा तो यहां पे चार फेसेस, एक दो तीन चार। अगर मैं साइड वाली दीवार की बात करूं इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया ऑफ आ रेक्टेंगल क्या होता है, इट्स लाइक अ रेक्टेंगल टू डी फिगर, तो इसका एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। मैंने क्या बोला, लेंथ और ब्रेथ दोनों की क्या है, बराबर है, तो ए इंटू ए गिव्स यू ए स्क्वायर। किसकी बात कर रहा हूं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूब, जब मैं क्यूबॉइड ले रहा हूं तो क्यूबॉइड में क्या है, दिस इज क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो इसकी अगर बात करूं तो व्हाट इज दिस, लेंथ इंटू हाइट, बाजू में बात करूं तो ब्रेथ लेंथ इंटू हाइट, सामने बात करूंगा तो ब्रेथ इंटू हाइट, ऑपोजिट ब्रेथ इंटू हाइट। अब हाइट मैंने क्यों लिया, क्योंकि चारों रूम में देखते हो आप हाइट इज कॉमन, ऑल द फोर कॉर्नर हैव द फोर हाइट्स, वो हाइट कॉमन होगी। लेकिन जब मैं साइड व्यू की बात करता हूं तो इधर लेंथ वी आर टेकिंग, तो इन फ्रंट और बैक में क्या आएगा, ब्रेथ आएगी। तो बेसिकली लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट का ट्वाइस। ट्वाइस क्यों, जितना आपका फ्रंट वॉल दोनों की कैसी होती है, सेम होती है। ऐसा किसी ने घर देखा है क्या, ये छोटा हो ये लाइन बड़ी हो, एक साइड वॉल आपकी फ्रंट ऐसा हो और बैक आपका ऐसा हो, बनते हैं लेकिन आमतौर पर हम उसे क्यूबॉइड नहीं मानते। क्यूबॉइड में कैसा होता है, ऑपोजिट फेसेस आर इक्वल, चाहे ये ऑपोजिट फेसेस हो, चाहे ये ऑपोजिट फेसेस हो, या ये ऑपोजिट फेसेस हो, ऑल आर इक्वल। तो ये आ गया लेटरल सर्फेस एरिया, लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब मैं बात करता हूं टीएसए, टीएसए क्या होता है, टोटल सर्फेस एरिया। जब मैं टोटल सर्फेस एरिया निकालूंगा तो लेटरल सर्फेस एरिया में टॉप एंड बॉटम फेसेस भी ऐड कर दूंगा। टॉप एंड बॉटम फेसेस क्या है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है। अब हाइट नहीं आएगी, ऊपर क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, नीचे क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, बेसिकली ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ। इसी फॉर्मूले में मैं क्या ऐड कर दूंगा, ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ, तो टू एल एच प्लस बी एच प्लस LB, ये क्या बन गया, ये आपका बन गया क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फिगर दैट इज क्यूब, तो ये भी क्या है, a इनटू a, नीचे क्या है, a इनटू a, तो क्या हो गया, एक और a स्क्वायर ऐड हो गया। बेसिकली क्या हो गया, यहां पर अगर मैं बात करूं, इट्स नॉट a स्क्वायर, गलत लिख दिया था, a स्क्वायर तो इसका था, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर 4a स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 6a स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू यू। ऊपर मैंने सिर्फ एक फेस का एरिया लिखा था, उसमें फोर का मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज एरिया ऑफ दिस वॉल प्लस एरिया ऑफ दिस वॉल प्लस एरिया ऑफ दैट वॉल प्लस एरिया ऑफ दिस वॉल, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, टोटल क्या हुआ 4a स्क्वायर। जब मैं टॉप व्यू और बॉटम व्यू लूंगा तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी हैव थ्री मोर शेप, सबसे पहले आता है हमारा सिलेंडर, दूसरा हमारे पास आता है कोन, नेक्स्ट हमारे पास आता है हेमिस्फीयर बन जाएगा, और फिर आएगा हमारे पास हेमिस्फीयर। मैं चारों के साथ में बता देता हूं, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉब्लम है। सिलेंडर, सिलेंडर बेसिकली क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर बनता कैसे, एक आपके पास सर्कल है, ऐसे कई सारे सर्कल, स्टैक ऑफ सर्कल्स, बैंगल, मम्मी की चूड़ियां देखी है, और लड़की हो तो लड़कियों के कंगन देखे होंगे, चूड़ियां देखी होंगी, वो बेसिकली क्या होता है, एक क्यूबर एक क्यूबर एक क्यूबर एक रखते जाओ, एक सर्कल दूसरा सर्कल तीसरा सर्कल मल्टीपल सर्कल, एन टाइम सर्कल रखो, एक की वैल्यू वन यूनिट है, एन यूनिट आपने रखी तो एन यूनिट इज द हाइट, तो बेसिकली क्या है, स्टैक ऑफ सर्कल्स की हाइट एच है, और इसका सेंटर से जो रेडियस होगा, रेडियस रिमेंस से पूरे पूरे किसकी, सिलेंडर की, ये इस सिलेंडर में ये हाइट हो गई, कई सारे सर्कल को मैंने एक साथ ऊपर तक रखा, और इसमें जो ऊपर का सरफेस आपको दिख रहा है और जो नीचे का सरफेस दिख रहा है दैट इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब सर्कल बेसिकली क्या होता है, एक रॉड होता है, इसका क्रॉस सरफेस एरिया गोल होगा, और ऊपर और नीचे क्या है, सर्कल्स लगे हुए। मैंने क्या बताया अभी, इसमें क्या होगा, इन सारे शेप्स में क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया नहीं होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, क्योंकि इनका साइड का सरफेस कैसा है, इट्स कर्व, इट्स नॉट फ्लैट। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया, अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल का जब कर्व सरफेस एरिया बोल रहा हूं तो सर्कल का ये वाला शेप, इसे सर्कल में हम क्या बोलते हैं, सर्कल में इसे हम क्या बोलते हैं,
सर्कमफेरेंस, क्या बोलता है सर्कमफेरेंस। नॉर्मल में अगर मैं बात करूंगा क्यूब में तो क्यूब में उसको पेरीमीटर्स कहते हैं, यहां पर क्या बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का मतलब सर्कल व्हाट, 2 पाई आर। तो ये किसका है, एक नीचे वाले सर्कल का है, फिर एक और सर्कल लगा उसका कितना होगा 2 पाई आर, एक और सर्कल है तो उसका कितना होगा 2 पाई आर, 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 कितने सर्कल लगे n, n इक्वल्स टू h, समझ आ रहा है। तो h से मल्टीप्लाई कर दो तो बेसिकली ये क्या हो गया 2 पाई आर h इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। यही बात करूंगा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर h प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर और नीचे सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है सेम है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो कितना आ गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, टेक 2 पाई आर एस कॉमन, तो आर प्लस एच आपका बचा। दिस इज फॉर टी एस ए ऑफ आर सिलेंडर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कैसे आया याद करना जरूरी है, पेपर आपका नजदीक है, कैसे आया कब आया ये तो ठीक है बताने वाली बात है, लेकिन आपको अभी फॉर्मूले रट लेना फॉर्मूले, क्योंकि अब इतने दिन नहीं बचे कि मैं आपसे बोलूं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 150 आप करोगे भी नहीं, लेकिन इतने कर लेना कि ये क्वेश्चन फॉर्मूले आपको याद हो जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे यू विल गेट द आंसर, बहुत इजी कर दिया हमको सीबीएसई ने, ठीक है। फिर आता है कोन, कोन का शेप आप सबको पता है, कोन लुक्स लाइक दिस, ठीक है, आइसक्रीम खाते हो उसको उल्टा रख दो सीधा भी रख दो, कोन तो कोन है। कोन में क्या होगा बेसिकली सिलेंडर का, अगर मैं बात करूं तो सिलेंडर का एक सरफेस, सिलेंडर के तीन टुकड़े किए उसमें से दो टुकड़े को फेंक दिया तो बचा कितना, एक टुकड़ा बचा, तो ये एक पार्ट कितना होता है, अगर मैं इसकी बात करता हूं पहले देख लेते हैं ये रेडियस आर, इसकी हाइट कितनी होती है बेटा, तो इसकी हाइट को लेते हैं एच, ये जो टेढ़ी साइड दिख रही है ना इसे हम कहते हैं एल, जिसे एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट, क्या होता है स्लैंट हाइट। अब आपने पढ़ा है बचपन से क्या पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज आर एंड दिस इज व्हाट एच, तो ये एल क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, ये कैसे आया, हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहां बेस की जगह पे क्या लिया आपने रेडियस लिया है और हाइट की जगह पे परपेंडिकुलर की जगह पे हाइट लिया है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट हमेशा हाइपोटेनियस होता है, तो एल कितना आ गया एल इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां से क्या निकाल लोगे एल निकाल लोगे। अब तुमको कर्व सरफेस एरिया निकालना, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका शेप, टोपी का ये वाला शेप, समझ में आ रहा है, टोपी का ये वाला शेप जो होता है इसे कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, कितना आएगा याद कर लेना पाई आर एल होता है, कितना होता है पाई आर एल, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या करोगे पाई आर एल प्लस नीचे क्या है एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस क्या है आर दी है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लो तो एल प्लस आर इज योर फॉर्मूला। इसका कहता था 2 पाई आर आर प्लस एच, जब मैं बात करता हूं किसका कोण का तो कोण का किसका है पाई आर इंटू एल, एल प्लस आर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्फीयर, स्फीयर क्या होता है स्फीयर तो गेंद होती है, गेंद देखिए ना गेंद, तो गेंद का अगर मैं बात करता हूं सरफेस एरिया, तो गेंद में सिर्फ सरफेस एरिया होता है क्योंकि उसका पूरा का पूरा सरफेस कैसा होता है कर्व होता है, तो इधर यू कैन से द कर्व सरफेस एरिया और द टोटल सरफेस एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू द सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है, समझ आ रहा है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया बोल दो या टोटल सरफेस एरिया बोल दो, बेसिकली द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर, लर्न इट, इट इज एल सी एस ए एज वेल एज टी एस ए, बेसिकली क्या होता है एसए, एसए क्या है सरफेस एरिया, समझ आ रहा है। फिर आता है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है बॉल को बीच से काट दो, जब एक बॉल को बीच से काटते हो तो आपका बॉल बन जाता है जिसमें आप खीर खाते हो, इसमें खीर नहीं खाना है इसको आपको सॉल्व करना है, तो उल्टा कटोरा रखा है सीधा कटोरा करो तो क्या आता है बेटा आपके पास और ये कैसा है खीर से भरा है, खीर से भरा है तो ऊपर भी आपको सरफेस दिख रही है और आजू बाजू तो है ही, तो जो आजू बाजू है वो बेसिकली क्या है इसका आधा, इसका आधा कितना होगा 2 पाई आर, तो ये क्या है कर्व सरफेस एरिया, मीन्स सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप जो कर्व है, नीचे क्या है फ्लैट, नीचे मतलब खीर ऊपर से फ्लैट है ना, जब ऊपर से फ्लैट है तो ऊपर क्या है एक सर्कल है, तो कितना होगा
टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो टू पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर क्या एक सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर सॉल्व करोगे तो थ्री पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, TSA of a hemisphere, this is CSA of a hemisphere, this is CSA और TSA और SA of a sphere, कौन की बात कर रहे हैं, कौन का, CSA कितना होता है, pi r l, total surface area कितना होता है, pi r into l plus r, cos surface area of a cylinder is 2 pi r h and total surface area of a cylinder is 2 pi r r plus h, I hope these formulas are clear to you, इसके बाद में साथ ही साथ volume भी पढ़ा कर रहा हूं, तो volume क्या होता है, ये एक बार में table आपको याद करनी है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे टेबल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं करोगे तो पेपर में भी शिफ्ट करते हुए जाओगे, शिफ्ट मतलब बोलने वाला, ठीक है, करने वाला भी कर दोगे, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग, श्योर। सो टोटल सरफेस एरिया देख लिया, कर्व सरफेस एरिया देख लिया, नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, बेसिकली एक चूड़ी, चूड़ी को आपने क्या किया, पूरा का पूरा एक मेटल से बना दी, मतलब कैरम की गोटियां देखिए, खेल तो इससे वो एक नारक के हम कई सारे रंग खेलोगे बचपन में, एक तरफ काले एक तरफ सफेद, बीच में रानी को लगा दे तो रानी अभी नहीं लगेगी, तो एक तरफ जो हमने काले लगाया उसको लाइन से रख दो, तो इसका पूरा का पूरा जो वॉल्यूम होता है, तो कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर गोटीज क्या होगा, वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पहली गोटी प्लस एरिया ऑफ सेकेंड गोटी प्लस एरिया ऑफ थर्ड गोटी, तो ये गोटियों के एरिया को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। कैसे आता है बेटा, आप देखो एक गोटी मतलब पाई आर स्क्वायर, ये कितने बार होगा, एच टाइम्स, तो पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा, बहुत इजी है, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी बात करते हैं, मैंने क्या बोला, वन थर्ड, तो कितना आएगा, वन थर्ड ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल, गेट व्हाट आई एम सेइंग, कि वन थर्ड शेप है किसका, सिलेंडर का ही शेप है, तो वन थर्ड इसका कर दो, वन थर्ड पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर की बात करते हो तो कितना आता है, फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब, एच जैसा इसमें है ही नहीं ना कुछ, एच होता तो फिर कर्व सरफेस एरिया अलग होता और टोटल सरफेस एरिया अलग होता, एच ही नहीं है, सिर्फ रेडियस के साथ खेल हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 बाई थ्री पाई आर क्यूब, याद कर लो, इसका आधा क्या होगा, इसका वॉल्यूम, तो इसका आधा कितना होगा, 4 बाई थ्री को 1 बाई टू से मल्टीप्लाई करो, 2 टू जा 4 कितना आएगा, 2 बाई थ्री पाई आर क्यूब। जल्दी से याद करो, दो मिनट के अंदर लिखो, याद करो, लिखो, याद करो, 5-10 बार लिखोगे याद हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका अच्छा क्या है, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे व्हाइल सॉल्विंग एनी तो क्वेश्चन डू राइट फॉर्मूला विदाउट सीइंग टू द बुक, एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, चौथी बार अपने आप याद हो जाएगा, आपका दिमाग आपसे, आपकी मतलब क्षमता से ज्यादा है, जितना आप सोचते हो ना अपने दिमाग को कि कुंद है, उतना कुंद नहीं है, ठीक है, उतना चलता है, आप लिखो बार बार, याद करो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा और पेपर के दिन वो आंसर देगा, सबकॉन्शियस माइंड छह थी, समझते हो ना, वहां से आंसर आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now this is a question which we are going to solve. इसको एग्जाम का पहला क्वेश्चन है, इजी है, एक चीज मैंने नहीं बताई थी वो यहां बता दूंगा, क्या, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। क्वेश्चन क्या है, टू क्यूब्स ईच ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब, दो क्यूब है इनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक का 64 है दूसरे का भी 64 है, टोटल होगा 128, जरूरत नहीं है उसकी। ये आर जॉइंट एंड टू एंड, जिसको ज्वाइन किया है एंड टू एंड, फिगर कैसे बनेगा बता, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, दो क्यूब को जब जोड़ते हैं तो आपका क्यूबॉइड बनता है, पहली बात तो समझ जाए कैसे बनेगा। तो बेटा एक क्यूब आपका ये है, दूसरा क्यूब आपका क्या होगा, तो दूसरा क्यूब आप जोड़ देना, जोड़ोगे कैसे, तो एंड टू एंड कनेक्शन कर दो, ये आपका बन गया। तो आपने क्या किया, एक क्यूब दूसरा क्यूब, दोनों के क्या है, वॉल्यूम सेम है और दोनों को आपने लगा दिया, बेसिकली क्या होगा, देखो दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, यहां पर देखना ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो टोटल कितनी हो गई क्यूबॉइड की लेंथ, टू ए आया, टू ए, ए प्लस ए गिव्स यू टू ए। जब आप रेल के डिब्बे को एक क्यूब, क्यूब बचपन खेलोगे क्यूब वाले गेम बनाते घर, एक क्यूब और दो क्यूब दोनों को जोड़ दो, तो बेसिकली दो डिब्बे जोड़ोगे तो आपका चेंज क्या होता है, सर लेंथ चेंज होती है, हाइट रिमेन द सेम, विथ रिमेन द सेम, विथ आपकी सेम होगी, हाइट आपकी सेम होगी, लेकिन उनकी लेंथ बढ़ जाएगी, एक के पीछे एक ट्रेन के डिब्बे लगा दो, गेट इट, पक्का। तो इसकी अब लेंथ कितनी है,
लेंथ आपने ले लिया 2a, विड्थ आपकी कितनी है a, हाइट आपकी कितनी a, जब आपको तीनों चीजें पता है तो आप क्या निकाल सकते हो उसका टोटल सरफेस एरिया। अब मैं टोटल सरफेस एरिया क्यों ले रहा हूं, क्वेश्चन दिया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब भी सिर्फ आपको लिखा हो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर टू ऑल? चलो इसका टोटल सरफेस एरिया सॉल्यूशन, सोशल सरफेस एरिया पहले ए की वैल्यू तो लाओ, हमको ए के फॉर्म में आंसर होना चाहिए, तो इसमें क्या चाहिए था हमको, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो याद रखना वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इसको भी लिख लेना उसी शीट में जो मैंने अभी तीन लिखा है, पांच फॉर्म ले उसमें चार फॉर्म ले उसमें दो और जोड़ लेना। पहला वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब, और अगर आपसे पूछता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्यूबॉइड पे कितना होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, याद है ये लिखने के लिए बस बता दी, यहां पे यूज अभी नहीं होगा क्योंकि हम वॉल्यूम नहीं निकाला, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ए क्यूब वॉल्यूम दिया है, ए का कितना 64, ये क्या है ए क्यूब, तो ए इज इक्वल टू 4 का क्यूब, तो ए इज इक्वल टू 4। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है, 4 चौके 16, 16 चौके 64 होता है, ठीक है कर लेंगे। ये आपके पास आ गया ए आ गया, तो आपकी लेंथ कितनी हो गई 8, ब्रेथ कितनी हो गई 4, हाइट कितनी हो गई 4, फॉर्मूला आपको पता है। चलो सो व्हेन वी गॉट ए इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास लेंथ आ गई 8, ब्रेथ आ गई 4, हाइट आ गई 4। अब हमें क्या करना है, ये क्यूबॉइड बन गया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू कितना होता है, 2 एलबी प्लस बीएच प्लस एलएच, वैल्यू पुट करो 2 इंटू एलबी 8 इंटू 4 प्लस बीएच 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4, कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन देखो बेटा 4 कॉमन ले लें 2 इंटू 4 कितना आएगा 8 प्लस 4 प्लस 8 4 टू 8 यहां जोड़ेंगे कितना होगा 8 8 16 16 प्लस 4 20 20 इंटू 8 कितना होता है 160 इज द TSA of the resulting cuboid, की यूनिट क्या होगी, डू राइट द यूनिट। तो आपने देखा अगर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब था, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक और क्वेश्चन करते हैं वॉल्यूम का, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज BVIMP एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न। एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, 99% जितने क्वेश्चन उसमें होंगे मैं बता रहा हूं आउट ऑफ 38 क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम उससे आएंगे, मतलब फंसेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन है अ पेन स्टैंड मेड बाय वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स, द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट दी है किसकी, कोनिकल क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड जो लकड़ी का है उसमें हमने क्या किए 4 गड्ढे किए, वो गड्ढे कैसे हैं, इन द फॉर्म ऑफ कोन्स है, ठीक है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, भाई कोन जो है जो आपने गड्ढे किए हैं उनके डिप्रेशन की रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर एंड उसकी डेप्थ जो है डेप्थ है वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इज इन द एंटायर स्टैंड, मतलब स्टैंड बनने के बाद उसमें कितनी लकड़ी बची, basically what they want to know। तो यहां पे मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं नॉर्मल अगर आप फ्रंट व्यू देखो तो ये बीच में आपका 1 2 3 4 आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां पे आप पेन को सर दे, ठीक है, तो क्या दिया बेटा 15 10 3.5, तो 15 10 3.5 लेंथ ब्रेथ हाइट, तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आपको कितनी दिया 15 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर, गिवन गिवन को सब आप लिख लेना, मैं प्रोसेस पूरा वैसा आपको नॉर्मली वन शॉट वीडियो के अनुसार क्वेश्चन कैसे करना है वो बस बता दे रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, एक कोन का आपने वॉल्यूम निकाला इंटू 4 करोगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड से माइनस कर देना आपका आंसर आ जाएगा, ये यूनिट चाहिए। तो बेसिकली क्या है आपका आंसर, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्ट्रेंथ
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. मैं अगर आपको इसका फॉर्मूला लिख दूं तो आई वांट द आंसर फ्रॉम यू. आप इसका आंसर नीचे लिखना, मैं आपको सिर्फ वैल्यू लिख के दे रहा हूं. ठीक है, वैल्यू क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है? अभी पढ़ा था कितना? लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट माइनस 4 टाइम्स. कोन का वॉल्यूम कितना होता है? जल्दी बोलो. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. वैल्यू पुट करो, आंसर लेके आओ. वैल्यू पुट भी कर दे रहा हूं. चलो 15 × 10 × 3.5 सॉल्व कर लेना. डॉट का मतलब क्या बताया था? ये वाला डॉट का मतलब इनटू होता है. ठीक है, अब इनटू ही कर दिया क्योंकि एक फ्रैक्शन, एक हमको जो ब्रेथ हाइट दी है वो 3.5 दी है. माइनस 4 इनटू ये कितना होगा? 1/3 इनटू 22/7 × 22/7. जब भी आपको आर की वैल्यू कुछ लेने ना बोली हो, पाई की वैल्यू जब तक लेने ना बोली हो, डू पुट द वैल्यू 22/7 इनटू क्या लिखना था? आर. आर कितना है? 0.5. 0.5 × 0.5 × height is how much? 1.4. So, फायदा क्या होगा? देखो 7 ones are 7, 0.2 था. इसके बाद आई होप यू विल गेट द आंसर. मैं आपका कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा. जल्दी जल्दी इसका आंसर लिखें एंड फाइंड द आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. टिल देन थैंक यू.